बढ़ते खबरों में आके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजकीय डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने डूंगर कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने डूंगर कॉलेज में 30 कक्ष बनाने की घोषणा की है। जज्बा बना रहे आप में, आप लोग देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, वहां तक भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर, ये नई थीम चली है पूरी दुनिया के मुल्कों में। जो ज्ञान है किसी के पास में, वो भी बहुत बड़ी ताकत होती है। इससे मन को समझना चाहिए आपको भी, लिखना पढ़ना अध्ययन करना। आजकल तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, पूरी जानकारी संजो के रखना मैं समझता हूं ये जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर काम आती है। इतने प्लेटफॉर्म में डिस्कशन होते हैं देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश के बारे में, दुनिया के बारे में। खाली पढ़ाई लिखाई से काम ही चलता है। एक तरफ अन्य एक्टिविटी होती है खेलकूद के साथ साथ में, वोट का महत्व, चाहे उचका हो, एनसीटी हो, और चाहे वो एक्टिविटी खेल के साथ साथ में किस प्रकार हम सोच बढ़ाते हैं अपना। मैं समझता हूं कि वक्त का तगड़ा है कि हम किस प्रकार से हर घटनाओं को वाच करें। व्यक्तित्व भी और कृतित्व भी हमारा दोनों शानदार बने। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, बिल्कुल ठीक कहा गया कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में अगर आप प्रायोरिटी देते हो सरकार की तरफ से, और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बनता है अपने राजस्थान का, नौजवानों का, आने वाला कल आपके ऊपर निर्भर करेगा, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। बांटने की जब नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस में नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, कितने भी आप नाम ले लो, इन्होंने कभी देश को आजाद करने के लिए धर्म की राजनीति नहीं की। इन्होंने एक ही कहा कि हमारा देश एक है। किसी को नहीं पता था कि देश को आजादी मिलेगी। किसी ने नहीं कभी सोचा कि देश को आजादी मिलेगी, पर लास्ट में अंग्रेजों को, जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, वो हिंदुस्तानियों ने उनका सूरज भी डुबो दिया था। मान लो स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है तो देश है, अगर देशभक्ति नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हमारे देश में युवा सबसे ज्यादा है, और जिस देश में युवा सबसे ज्यादा होते हैं वो ही उस देश की प्रगति करते हैं, वही देश का आने वाला भविष्य होते हैं। और छात्र चुनाव के माध्यम से जो युवा चुनाव जीत करके आते हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करते हैं। और ये बरसों से चली आ रही है कि जो लोग चुनाव में मत लेकर के चुनाव जीत करके आते हैं, वो वहां की अपनी संस्था, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज बनकर के उनकी समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। भाई हरिराम गोदारा जी को आप सब युवाओं ने चुना, और अभी रामनिवास कोकना जी ने बताया कि किस प्रकार से हमेशा यहां काफी वर्षों से एनएसबीआई
चुनाव जीतती आई है। मैं बधाई देता हूं एनएसयूआई के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने यहां चार चार विश्वविद्यालय बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और अभी हाल ही में इस बजट में 15 करोड़ रुपए हमारे आग्रह पर यहां का ऑडिटोरियम, जब से ये कॉलेज बनी थी तब से छात्र संघ के लोग मांग कर रहे थे 15 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम के लिए दिए, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर आज चार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी उसकी जगह 250 सीटें, चार नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब आपकी देन है। और इस बजट में भी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर, हमारे यहां आईसीयू एक्मो मशीन जो राजस्थान में कहीं नहीं है, हमारे यहां बीबीएम हॉस्पिटल में आपने मंजूर की है। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब जीपी सिंह जी ने जो मांगे रखी है, हम निश्चित रूप से कक्षा कमरों की कमी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो पीटीईटी का पैसा है उसमें 50% पैसा हम वापिस डूंगर कॉलेज को देते हैं, उस फंड से कक्षा कमरों की भी दूरी कमी करने का हम पूरा प्रयास